वेलकम टू माय यशवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज की क्लास में हम हैमलेट के बारे में बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले के वीडियो जो प्रोवाइड किए थे उसमें क्या था कि समरी था, बट समरी के साथ साथ बहुत बड़ा रोल कैरेक्टर का होता है, कौन सा क्या कि क्या रोल है किसका, तो उसको हम बताने वाले हैं। उससे पहले छोटी मोटी कुछ जानकारी है उसे हम दे देते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। ट्रेजेडी जो है इसमें हैमलेट कहाँ का राजकुमार, प्रिंस डेनमार्क के हैं। ऑफ्टन शॉर्टेंड टू हैमलेट इस ट्रेजडी रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है समटाइम बिटवीन 1599 एंड 1601। इट इज शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विथ जो है 2951 वर्ड्स इसमें है। सेट इज डेनमार्क। द प्ले डिपेक्ट्स प्रिंस हैमलेट एंड हिज अटेम्प्ट टू एक्सेक्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस हु हैज मर्डर हैमलेट्स फादर इन ऑर्डर टू साइज हिज थ्रोन एंड मैरी हैमलेट्स मदर। तो इसमें क्या है गाइस, बताने की कोशिश कम कर रहे हैं कि ये डेनमार्क में जो है प्लेस किया गया था प्रिंस हैमलेट के द्वारा। इसमें मर्डर का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें रिवेंज लिया जाता है, हैमलेट अपने फादर्स का रिवेंज लेता है क्लॉडियस अंकल का मर्डर करके, मदर्स हैमलेट्स मदर जो है के ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कुछ और खास चीज़ है जाइए। अब रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट लिखा गया है गाइस, और अभी जाइए ना इस कैरेक्टर को इंक्लूड करने वाली हूँ किसका क्या रोल है। पहले नंबर पे हैमलेट, दूसरे जो है क्लॉडियस है, गटरेस्ट है, यहाँ पे फ्लोनियस है, ओफोलिया लेटर्स और होरेटियो, ठीक है। बट किसका क्या रोल है उसको भी हम बताने वाले हैं, जाइए नहीं कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जानेंगे कि हैमलेट्स कौन है। तो हैमलेट जो है डेनमार्क का राजकुमार है, सन ऑफ द लेट्स किंग ऑफ और नेफ्यू ऑफ द पेरेंट्स किंग क्लॉडियस, भतीजा भी है किसका, क्लॉडियस का, यानी क्लॉडियस उसके अंकल हैं, ठीक है, एक तरह से इसके अंकल हैं। और इसके गद्दी पे राज लेने के लिए अंकल जो है हैमलेट के फादर्स का क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं। अब देखेंगे जब हैमलेट को पता चलता है तो रिवेंज लेता है क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट्स अंकल, ठीक है, किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट्स अंकल एंड ब्रदर टू द फॉर्मर किंग्स, ठीक। गॉटरेड्स क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स मदर। नेक्स्ट देखते हैं प्लोनियस कौन था, तो चीफ काउंसलर टू द किंग जो प्लोनियस था इसका रोल था, ये राज्य का दरबारी था ये, ठीक है। होरेटियो क्या था, फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट का ये मित्र था, दोस्त था। लेटर्स क्या था, प्लोनियस का सन था, यानी जो दरबारी था उसका ये बेटा था। अब देखेंगे वायलेंट मैंट एंड कॉर्नेलियस कौन था, तो ये कोर्टियर्स दरबारी थे सब। और दो और पर्सन मेन इसमें और हैं, तो रोसर क्राइंटेस एंड द गाइलैंडिश टर्न था, तो ये भी कोर्टियर्स थे बट इसके जो हैमलेट्स के फ्रेंड ही थे। ओस्रियस थे जो, एक कोर्टियर था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं मार्कलेस था जो, तो एन ऑफिसर था एक, और बर्नार्डो था जो, तो एन ऑफिसर ये भी था। और थोड़ा बहुत कुछ और है देख करके जाइए, रिनोल्डो जो था प्लोनियस का सर्वेंट था, नौकर था। घोष्ट क्या था, तो द घोष्ट ऑफ हैमलेट्स फादर का घोष्ट दिखाई देता था, हैमलेट के पिता का भूत दिखाई देता क्योंकि उनका मर्डर किया गया था उसके अंकल के द्वारा। फॉर्टिनर ब्रस जो था प्रिंस ऑफ नॉर्वे का था, और जो है ग्रेवे डीजर्स जो था अफियर ऑफ सैक्सटोन्स था, प्लेयर किंग और प्लेयर क्वीन लैक्सियनस थे, ठीक है प्लेयर्स। तो ये जो सबके मर जाने के बाद इन्हीं लोगों का राज पार्ट हो जाता है, आकर के यहाँ पर अपना गद्दी संवारते हैं, क्योंकि लास्ट में जो है हैमलेट जो है मर्डर करता है सबका। जो पहली हमारी वीडियो देखेंगे हैमलेट की तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्लॉडियस की भी डेथ होती है, इसका ओफिलिया का भी कर देता है भूल से, जैसे उसमें जब वो होती है ट्रेजडी तो उसमें हो जाता है, लास्ट में जो है हैमलेट की भी डेथ हो जाती है। तो बचता कौन है, कोई नहीं, तो ये जो आते हैं नॉर्वे से राजकुमार, और वो जो है यहाँ का गद्दी संभालते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये जो है कैरेक्टर
हम लेकर के प्रेजेंट जो थे। कुछ भी ऐसा गाइज नहीं छूटेगा, छोटे छोटे पार्टों में एनालाइज करके हर चीज़ आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।